हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक टू वेलकम, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू GD5 गेम प्ले वीडियो में। और भाई जैसे कि आपको पता है, अपन लोगों ने पिछली वीडियो में माफिया को चुरा लिया था और माइकल को और माफिया को एक ही घर में रखाए थे। पर बाकी बात भाई बाद में करते हैं, पहले तो भाई लेस्टर के घर से अपन लोग निकले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई लोग, आपको तो जैसे पता ही है, लेस्टर तो भाई वो ब्रिज वाले घर के नीचे होता है, जो हमने सीक्रेट घर लेस्टर को गिफ्ट किया था, तो भाई लेस्टर तो वहाँ पे होता है। तो भाई हमें थोड़ी सी ना डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, जो लेस्टर ने कहा था उसके घर से ले लिया जाए, और भाई अपन लोगों ने वहाँ से ले लिए। और भाई आज ना अपन लोग आपको देने लगे हैं एक सरप्राइज़। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में अपन लोगों ने एक ट्रक चुराया था, जिसको कहा था मॉडिफाई करवाने वाले हैं, तो भाई लोग वो ट्रक मॉडिफाई हो चुका है और आज हम माफिया को शिफ्ट करेंगे उस सीक्रेट घर से किसी और घर में। क्योंकि भाई लेस्टर के सूत्रों से हमें पता लगा है कि भाई पुलिस हमें बहुत ज़ोरों से ढूंढ रही है, चाहे हमारा नाम वगैरह नहीं आया हुआ, क्योंकि कैमरे आपको पता माइकल ने बंद कर दिए थे, पर भाई माफिया को तो वो ढूंढ ही रहे हैं ना। तो भाई पहले तो हम आपको हमारा ट्रक दिखाया जाए, कतई जहर ट्रक बना भाई लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रहा है। और भाई दुख की बात तो ये है, जो हमने यहाँ पे मैकेनिक वगैरह लगाए हुए हैं, मतलब भाई उन्हें हमें मारना पड़ेगा। भाई ये खुफिया जगह बनी थी, खुफिया ट्रक बना था, और अगर हम नहीं चाहते कि भाई पुलिस को हमारी खबर लगे, तो दो तो बंदे हैं भाई, मार देंगे, क्या फ़र्क पड़ चला। तो पहले तो भाई आप लोगों को हम अपना ट्रक तो दिखा दें। भाई आपको याद है ना वो ट्रक कैसा चुराया था अपन लोगों ने, और भाई क्या ही कर दिया है उसका। मानता हूँ कि मैकेनिक बहुत अच्छे थे, पर भाई हमारा काम हो चुका है, तो भाई हमें इन्हें रासुर से हटाना ही पड़ेगा। तो भाई पहली बात, पहले तो चलो आपको थोड़ा सा ट्रक दिखाया जाए, बाकी मुद्दे की बात अपन लोग थोड़ी देर रुक के करते हैं। पहले तो इसी पे ट्रक चढ़ाया जाए, पीछे निकल आ गया शायद नीचे। अरे यार इसे निकाला कैसे जाए, अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब ये क्या फुटा बे, हमारी सीक्रेट मॉडिफिकेशन शॉप बनाई थी भाई अपन लोगों ने, बट इसका शायद कुछ गलत हो गया शायद, बट चलो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ से तो निकला जाए पहले, और एक बंदा ये बच चुका है, इसे अपन लोग चक्कू से मारेंगे, कुछ बड़ी बात है नहीं, बट लोग देख ना ले। वैसे मेरे हिसाब से जो बम फटा था, मेरी बाइक फट गई, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो एक तो ख़त्म हो गया, और दूसरा ये है, कैसे हो सर, थैंक यू, आपके आपकी आपकी पेमेंट तो दे लूँ, रुको ये ले भूतनी के पेमेंट, निकल। और भाई पहली बात, क्या ही कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्या कर रहे हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो भाई बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना। तो चलो भाई लोग पहले सीधा चलते हैं अपन लोग माइकल के घर, मतलब जो घर हमने दिया था माइकल को थोड़े दिनों के लिए, वहाँ पे चलते हैं। और भाई माइकल ने ना इतनी अच्छी बेड रखी थी, वैसे हम वाले से अच्छी बेड थी, तो भाई माइकल ने ये पुलिस के चक्कर में बेड वगैरह भी कटवा दी है, कपड़े तो चलो उसे पुलिस वाले बदलने पड़े थे, बट बेड जो है ना बिल्कुल कटवा ही दिया भाई, बिल्कुल क्लीन शेव, मदन चिकना हो चुका है वो, क्या ही कर सकते हैं। काम का सवाल था और जान का सवाल था। तो पहले तो आपको भाई ट्रक दिखाया जाए कैसा है। अरे भाई साहब, बाकी बातों की बात है भाई लोग, काफ़ी ही मजबूत ट्रक है। अगर मेरे को ये पुलिस वाला चक्कर ना होता और ये मिशन सीक्रेट ना रखना होता, तो भाई मैं उन मैकेनिक को बिल्कुल ना मारता। अरे भाई साहब, फुल ट्रैश मास्टर ट्रक तक उड़ा दिया इसकी, जो आगे हमने ब्लेड वगैरह लगा रखा है, शील्ड वगैरह। तो चलो यहाँ से तो निकला जाए पहले, भाई सामने बहुत गाड़ियाँ हैं और मेरा बहुत अंदर से दिल कर रहा है कि भाई लोग उड़ा ही दीजिए। तो चलो भाई, स्वागत नहीं करोगे हमारा भाई साहब, बहुत ही मज़ा आया यार, अंदर से सुकून मिला भाई। चलो निकलो, फिर निकलो, निकलो सर। भाई मेरे को बस डर इस बात का है कि जब हम उस माफिया को वहाँ से निकालेंगे तो कोई खबर वगैरह ना दे दे, या हम कैमरा किसी में ना आ जाएं और पुलिस हमारे पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि भाई लोग
माफिया को यहाँ से निकालना है, हम उसे नहीं दे सकते अभी क्योंकि हमें वो डील रोकनी है। मेरा कोई दिल नहीं है वो मैक्सिकन माफिया को मारने का, बट क्या ही कर सकते हैं। और भाई वैसे भाई मुझे किसी शक्ल से ना किसी एंगल से वो माफिया लग नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा मेरे को नहीं पता, बट नहीं लग रहा यार। तो ट्रक को मार के देख रहने देते हैं काफ़ी। हाँ वैसे हम घर के पास पहुंच ही गए हैं, ज़रूर किसी की नज़र में आना है। तो देखते हैं अंदर चल क्या रहा है। वैसे यार माइकल उसे खाना वगैरह तो दे ही देता होगा वैसे, बाकी देखते हैं। क्योंकि भाई माइकल को ना मैंने काफ़ी इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करवाए थे ताकि वो उसे बेहोश रख सके, वो उठ के हमारे साथ पंगे ना ले यार। माइकल अकेला है, वो भी अकेला है, कहने को तो माफिया ना चाहे शक्ल से नहीं लगता पर है तो माफिया ही ना। तो भाई अपन लोगों ने ना उसे इंजेक्शन मार मार के बेहोश ही रखा है ताकि हमारा काम ना खराब कर दे वो। तो चलो ऊपर जाके देखते हैं माहौल चल क्या रहा है। तो भाई कहाँ है वो? अरे कहाँ है? अच्छा ये नीनी कर रहा है। तो भाई साहब काफ़ी गहरी नीनी कर रहा है, तो इसे तो पहले उठा के ना सीधा पहुंचाया जाए नीचे। और भाई पुलिस वगैरह का कुछ चक्कर होगा तो नहीं? माइकल कितनी डोज दी भाई लोग इसे? तो भाई जो बात का डर था ना वही हो चुका है, अपन लोगों के पीछे पुलिस पड़ चुकी है। मेरे को नहीं पता भाई कैसे पड़ी है, बट पड़ चुकी है यार, क्या ही कर सकते हैं। और भाई मेरे को ना अभी लेस्टर का फ़ोन आया और उससे पता लगा है कि फट चुकी है बहुत गंदी वाली, मतलब पुलिस को यहाँ का एड्रेस मिल चुका है। भाई आपको तो पता है लेस्टर हमारा हैकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, तो भाई उससे हमें पता लगा है कि पुलिस इसी वाली साइड पर आ रही है। और मैंने और माइकल ने सोचा थोड़ा सा स्वागत उनका कर ही लिया जाए, और माफिया को अभी ये नहीं यहाँ से निकालेंगे क्योंकि भाई अगर अभी निकाल दिया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और हमारे हाथों से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। क्योंकि भाई अपन लोग ना वो डील होने से रोकनी है जैसे मर्जी, और भाई पुलिस आने पे ना अपन उनका स्वागत करेंगे बहुत गंदे तरीके से, तो शायद आ ही जाएगी। तो चल भाई माइकल छुप जा। कहाँ छुपेंगे वैसे? यहाँ पे कोई छुपने की कुछ अच्छी जगह है तो नहीं? वैसे ये भी जगह कुछ खास अच्छी है नहीं छुपने की, कोई और जगह ढूंढता हूँ। भाई कवर में रह के गोलियाँ मारेंगे तो हम दोनों बचे रहेंगे, तो यहाँ पे छुप जाता हूँ। वैसे भाई लोग छुपने की आई थिंक जो पड़ी नहीं, पुलिस चली गई, स्टार्स ख़त्म हो गए, पुलिस नहीं है। तो चलो फिर माफिया को एक्सपोर्ट किया जाए यहाँ पर जल्दी जल्दी, माफिया को इस ट्रक में जल्दी जल्दी से डाला जाए ताकि हम यहाँ से निकल सकें। तो भाई लोग जैसे कि आप देख सकते हैं अपन लोगों ने ना माफिया को ना इस ट्रक में डाल दिया है और वो यहाँ पे भी नीनी कर रहा है। भाई इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो चलो अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। और भाई आपको तो पता ही है छुपाने के लिए माइकल पीछे बैठेगा क्योंकि आज इसने कोई पुलिस वाली यूनिफॉर्म नहीं डाली हुई, तो पीछे रहेगा तो सेफ रहेगा, पता भी नहीं लगेगा किसी को कि माइकल यहाँ पे, क्योंकि पीछे वाली साइड पे कोई विंडो नहीं है और हम तो देख ही लेंगे अपना कुछ ना कुछ। भाई बाकी बातों की बात है, ट्रक लगता काफ़ी खद्दड़ है बट भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और भाई माफिया को एक्सपोर्ट करने की बात ही हुई है, आई थिंक पुलिस वाले ना अपन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, इसलिए अभी माफिया को यहाँ पे डाला ही है और पुलिस अपन लोगों के पीछे पड़ चुकी है। तो अब यहाँ से तो निकला जाए, बट वैसे भी अगर पुलिस आई ना तो बहुत गंदे वाला ही पिटेगी मेरे से। अब निकलो निकल भूतनी के निकल भाई, क्योंकि आपको तो पता है ये जो हमने आगे शील्ड लगवाई है ना ट्रक के, पुलिस वालों के गांड फाड़ कर रख देगी, क्या ही कर सकता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस वाले उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल, तू भी निकला, और कौन है भाई, तुम भी निकलो, तुम भी निकलो। भाई कार तो ऐसे जा रही है जैसे पता नहीं क्या ही जा रहा है, कहते ही जहर ब्रो मॉडिफिकेशन हुई है। तो भाई अपन लोग सोच रहे हैं कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन के लिए ना एक शोरूम सा ना सीक्रेट बनवा ही लें, किसी स्ट्रीट वगैरह के अंदर बनवाएंगे ताकि किसी को पता ना लगे। और जितनी ऐसी कार जाना भाई, अभी तो ये मॉडिफिकेशन ठीक ठाक थी बट अपन लोग प्रोफेशनल बंदे मंगवाएंगे सैन एंड्रियास से, तो भाई वो बंदे लेके आएंगे और भाई वो हमारा काम किया करेंगे। क्योंकि भाई ऐसी कार्स की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है अपन लोगों ने, जैसे कांट करने होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी रहती है ऐसी कार्स की। शायद ये रास्ता सही जा रहा है, अरे मैं सही तो जा रहा है ना,
अरे यार ये तो बंद है आगे से, तो चलो क्या ही प्रॉब्लम है। अरे यार सच्ची नहीं जा रहा रास्ता कहीं को। कोई नहीं ब्रो, अपन लोग थोड़ा दिखता ना उतर के कर लेंगे। अरे यार लगता है उतर के थोड़ी सी ना इनकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। गोली को खास खतर होने तो वाला नहीं है भाई लोग, अपन लोगों ने आर्मर डाला हुआ है, फार कर देंगे इनकी। निकल, पहली फुर्सत में निकल, तू भी निकल लक्षण, तू भी निकल। तुम पता किससे पंगा ले रहे हो? विनोद है अपन, गणेश गायतोंडे का फैन है मैं। भाई यार क्या ही कर रहे हैं अपन लोगों के सिर पे गोली बजी है, मतलब टच होके निकली है। और भाई हमने सोचा हम बस में बैठ के निकल ही जाएं, क्योंकि भाई और गोलियां बजी तो हम कुछ बच नहीं पाएगा। और वैसे हमें थोड़ा सा पुठा सीधा रास्ता मिल तो गया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे पलटेगा नहीं नहीं नहीं, पानी में नहीं जाइए, पानी में नहीं जाइए, नहीं 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 नहीं। अरे भाई अपन लोग बच गए, तो जाखोर आके सही है, पलटा सके ना कोई, तो निकलते हैं यहाँ से। और कौन सा रास्ता है अपन के पास? कुछ कुछ खास रास्ता मिल नहीं रहा, क्योंकि पुलिस काफ़ी और से पड़ चुकी है, 4 स्टार पुलिस है। और भाई लौड़े लग चुके हैं मेरे हिसाब से, तो पहले तो भाई मेरे को बहुत गुस्सा चल रहा है, इस ट्रक की मारेंगे। निकल भूतनी के तू निकल। और कोई है यहाँ पे? वैसे है तो नहीं, बट आगे रास्ता भी ख़त्म हो ही चुका है तकरीबन, तो हमें अभी निकलना ही पड़ेगा। भाई माइकल को तो लग रहा होगा भाई हो ही क्या रहा है, क्योंकि भाई उसे तो कुछ दिख नहीं रहा, बस ठाठैया की आवाज़ें ही आ रही होंगी। तो कोई रास्ता मिल जाए यार, ये भी कार आ रही है भाई, इतना स्वागत तो ना करो अपन लोगों का। मैंने बस वैसे ही कहा था कि स्वागत तो करो हमारा, बट ऐसा करोगे तो मेरे को नहीं लगा था। निकल तू भी निकल। भाई काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग ट्रक है अपन लोगों का। अरे यार, और भाई खुशी की बात तो ये, खुशी की क्या, वैसे तो दुख की बात है कि अपन लोगों की जो विंडो वाली शील्ड है ना वो उतर चुकी है। भाई इतने पैसों में इतनी सी मॉडिफिकेशन ही मिलेगी, कुछ खास थी नहीं, बट बचेगा बचेगा बचेगा, बच गया बच गया। निकल तू भी निकल। अरे इसके तो सीधे मारेगा मैं। अरे भाई ये क्या था बे? भाई अपन लोगों को इनको इनके ट्रक के पास जाने से रोकना है इन्हें। अरे ट्रक तो ये रहा हमारा, तो पहले तो इन्हें थोड़ी सी थाता तैयार कर ही लेनी चाहिए हमें। कहाँ को है बंदे? भाई पहले तो हमें ट्रक के पास ही पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर ये पुलिस वाले ट्रक के पास आ गए ना तो भाई अपन लोग ना चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई माफिया के हाथ लग जाएगा। और जहाँ तक मेरे को, भाई अपन मरे ना मरे माइकल को ज़रूर मार देंगे ये, तो अपन लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। क्या ही करें यार, कुछ खास समझ आ नहीं रही। और ये पुलिस वाले तो भाई पीछा छोड़ ही नहीं रहे। निकल तू भी निकल। और कोई रास्ता? अरे भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है अपन लोग सारी वीडियो में आज भागते रहे, कुछ खास उखाड़ नहीं लिया अपन लोगों ने। बट भाई आज की वीडियो का ना अपना मोटिव यही है कि अपन लोगों को ना माफिया को एक्सपोर्ट करवाना है पुलिस से बचे बिना, मतलब पुलिस से बच के, सॉरी बिना क्यों, पुलिस तो पड़ी हुई है, तो पुलिस से बच के अपन लोगों को माफिया को एक्सपोर्ट करवाना है जल्दी से जल्दी। और ये रास्ता मिला बाहर की तरफ, और ये रास्ता मिला बाहर की तरफ, और अपन लोगों ट्रक को करवाने वाले हैं जंप। ये अबे भी निकल गए। अरे पहुंच गए, कोई बात नहीं। और यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए भाई, अपन लोगों को ना ये ट्रक को जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चलो मॉडिफिकेशन अच्छी है, पुलिस वालों से बचा रही है, बट भाई ना स्पीड अच्छी है। और भाई क्या ही कहने हैं, स्पीड के नाम पे तो हमारी फुल तरीके से फट के चार हुई पड़ी है। निकल यार। बट भाई ये ऐसे जो खतरनाक वाले स्टंट कर रही है ना ये कार, काफ़ी अच्छे कर रही है। तो भाई लोग अपन वहाँ से तो निकल आए, बट यहाँ पे पुलिस अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। क्यों नहीं छोड़ रही मेरे को कुछ घंटा नहीं समझ आ रहा। और भाई कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे अपन लोग इस कार को लगाएं, मतलब इस ट्रक को लगाएं, और वहाँ से कोई कार ढूंढें जहाँ को, जहाँ पे बिठा के हम उसे भी ले सकें, मतलब माफिया को भी लेके जा सकें, और हमें भी कुछ खास फ़र्क ना पड़े। तो देखते हैं कुछ मिले तो यहाँ पे। और ये पुलिस वाला, तू भी निकल, उतनी कर निकल निकल। अरे यार क्या ही कर रहे हो भाई, इतनी पुलिस हमारे स्वागत में। अरे यार यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है क्या? अरे भाई फैक्ट्री का नाम लिया, फैक्ट्री हाजिर। पहले तो भाई ये रेडियो बंद करो, ये रेडियो किस घर ने चला दिया।
तो पहले तो इसी फैक्ट्री में ढूंढ बढ़ा जाए। आई थिंक यहाँ पे नहीं आएंगे, इसी छत के पीछे छुप जाते हैं। शाम तक अपन लोग यहीं पे रहेंगे, अगर शाम तक पुलिस यहाँ पे नहीं आई। और भाई लोग शाम हो चुकी है, पुलिस हट चुकी है पीछे हमसे, तो भाई क्या ही करते हैं अपन लोग, कोई ना कोई ढूंढ ही लेते हैं, कोई अपनी कोई SUV वगैरह जिसमें बैठ के माइकल भी निकल सकेगा सेफली, और हम माफिया को भी एक्सपोर्ट करवा लेंगे किसी और घर में। और भाई मैं सोच रहा हूँ एक घर में, अपन लोग पिछले एपिसोड्स में अंडरग्राउंड हुए थे, वो घर अपन के जो मेन घर के पास ही है, तो उस घर में माफिया को और माइकल को एक्सपोर्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पे कोई खास किसी को पता लगेगा नहीं, और थोड़े दिन के लिए शांति और बन जाएगी, क्योंकि भाई इसे उतरवा तो लिया है हमने, माफिया को किडनैप कर तो लिया, बट कब तक किया है, क्यों किया है, कुछ खास पता लग नहीं रहा, क्योंकि भाई डील कब तक हटेगी और कब तक ये थोड़ा सा जोर ख़त्म होगा, क्योंकि भाई अगर हमें डील पक्की तरह से रुकवानी है ना, तो आई थिंक माफिया को मारना ही पड़ेगा, तो मार ही देते हैं, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब तक डील गर्म है ना तब तक तो देखते हैं। तो भाई पहले तो जाकर ना मैं कोई SUV चुरा के लेके आऊँ, अरे यार इसे कहीं और ना लगाया जाए, कोई देख ही ना ले, क्योंकि सबकी नज़र में वैसे ये ट्रक आ चुका है। बहुत अच्छी बात भाई, ट्रक ही फंस गया, तो चलो क्या ही कर सकते हैं, तो कोई ना कोई SUV ढूंढी जाए। तो कुछ मिल नहीं रहा ढंग की कार, कुछ छोटी छोटी कार दी है यहाँ पे। अरे भाई कहाँ से आ गए सर आप, आप ही की कार की तलाश थी, निकल भूतनी के, तेरी कार चाहिए थी, काफ़ी अच्छी कार है, काफ़ी बड़ी कार है, पहले तो रेडियो बंद किया जाए, चिकनी चमेली लगाया था इसके ऊपर। तो चल भाई माइकल तू भी निकल जा बाहर, कहीं वो भी तो नहीं सो गया, भाई लगता तो नहीं है, बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर माइकल ही सो गया हुआ, फिर उठ बे भूतनी के निकल। तो भाई अपन लोगों ने ना माइकल को बिठा लिया है, काफ़ी रात हो चुकी है, जैसे 8 बज चुके हैं, और माफिया को भी अपन लोगों ने ना पीछे वाली सीट पे रख दिया है, तो हम वो घर के पे चलते हैं जहाँ पे अभी इन्हें रखा जाएगा, पर देख लेते हैं कुछ खास। अरे भाई 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 भाई, भाई क्या ही कर रहे हो सर, बहुत मुश्किल से हम बच के निकले हैं और आप हमें फिर ठोक रहे हैं, अच्छा नहीं लगता सर। और भाई मेन बात मैं आपसे फिर कर दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटी रह गई है, भाई वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाया करिए, भाई काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल बटन को दबाओ, और क्या ही कर सकते हो, और इतना ही काफ़ी। और वैसे भी अपन लोग घर के पास पहुँच गए हैं, तो पहले तो ऊपर जाके घर की थोड़ी हालत देखी जाए, क्योंकि काफ़ी देर से सफाई वगैरह भी नहीं करवाई, और हफ्ता को माइकल को यहाँ पे रहना पड़ेगा भाई, बाकी बातों की बात है, माइकल को बहुत ज़्यादा अपन लोग ट्रबल दे रहे हैं, बट भाई वैसे भी माइकल थोड़ा सा हिस्सा तो हमारे बिजनेस का लेता ही है, तो इतना तो भाई बनता था। वैसे हालत ठीक ही है, कुछ खास है नहीं, क्योंकि पिछली बार अपन लोग यहाँ पे ही अंडरग्राउंड हुए थे। तो चलो भाई अपन लोग बॉडी रख के फ्री हो जाते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लव यू ऑल गाइज, लव यू।